आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना प्रबंधन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, पार्षदों से किया वर्चुअल संवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे लागू। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 40% महिलाओं को दिया टिकट। योगी के विरोध में उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 3,17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह, और चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सबसे पहली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के चलते प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस प्रशासन द्वारा नामांकन हेतु कलेक्ट्रेट परिसर का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा आज लिया गया है, और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं बदायूं जिलाधिकारी दीपा रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गुलडिया प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई है। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों से सतर्कता के साथ चुनाव को संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया। नामांकन प्रक्रिया को लेकर थाना प्रभारियों को संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों और आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा खुराफातियों को कार्यवाही के लिए भी निर्देशित किया गया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव से पूर्व तैयारियां इस वक्त शुरू कर दी हैं, और इसी को लेकर विभिन्न चौराहों और कस्बों में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में पुलिस और SSB की 44 बटालियन फोर्स ने पैदल मार्च कर एरिया का डोमिनेशन किया है। बांसी कोतवाली निरीक्षक संजय मिश्रा के साथ सब इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार और SSB नरकटियागंज डिवीजन की टीम बांस कस्बा सहित विभिन्न चौराहों और कस्बों का भ्रमण कर एरिया डोमिनेशन किया गया। दूसरी तरफ कोविड के जो नियम है उनका पालन करते हुए पुलिस ने लोगों को भी इस पूरे कोविड में सतर्कता बरतने की अपील की। बांसी में जो है एक कंपनी आई है जो एरिया डोमिनेशन कर रही है, जिसमें जनता के मन में जो है सुरक्षा की भावना पैदा की जाए, और जितने भी आपराधिक तत्व हैं इनके ऊपर डर का माहौल पैदा किया जाए, ताकि जो चुनाव है ये निष्पक्षता से संपन्न कराया जाए। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया जाए, और लोगों को बताया जाए कि बिना भय के आप अपना मतदान कर सकते हैं और कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए, इसलिए मार्च पास्ट का आयोजन किया गया है। क्या केवल कस्बों में किया जाएगा या ग्रामीणों को भी? कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में भी भ्रमण किया जाएगा, एरिया डोमिनेशन पूरे तहसील में किया जाएगा। मिर्जापुर में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंगलामुखी महायज्ञ इस वक्त जारी है। सपा नेता अखिलेश यादव के कुल पुरोहित राज मिश्रा महायज्ञ कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 10 मार्च तक मंगलामुखी महायज्ञ चलेगा। 11 ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल मंदिर परिसर में मंगलामुखी महायज्ञ आयोजित किया गया है। शत्रुओं के नाश विजय प्राप्ति के लिए मंगलामुखी यज्ञ होता है। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी दरबार में शत्रु नाश के लिए हमने मंगलामुखी महायज्ञ 21 ब्राह्मणों के द्वारा शुरू करवाया है, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, और माँ विंध्यवासिनी से उनको संपूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रे कर रहा हूँ।
ये पूजा आज से शुरू हुआ है, 10 मार्च तक चलता रहेगा और हम लोगों का कोशिश रहेगा कि 10 मार्च को माननीय जी संपूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और उसके पूर्व में आके हवन पूजन करें। बाट राज मिश्रा जी हैं, विंध्याचल के हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री पद प्राप्ति के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्ति के लिए माँ विंध्यवासिनी दरबार में एकादश ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है और ये अनवरत 10 मार्च 22 तक जब तक उनकी गिनती नहीं हो जाएगी तब तक चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे या राज भैया जैसा आदेश करेंगे उसी हिसाब से उसका पूर्णावती फिर किया जाएगा। वही देवरिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से आभूषण की दुकान से नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। देर शाम गौरी बाजार क्षेत्र के चौरखरी चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने सहज जन सेवा केंद्र से 46,000 रुपए की लूट से पुलिस महकमे में इस वक्त हड़कंप मच गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पे हाथ धोकर के दुकान में आ रहा था और ये यादव जी बैठे हुए थे, इनके ऊपर तीनों ये बताया कि मतलब तीनों लोग असलहा लगा दिए हैं, पैसा जितना था काउंटर से निकाल लें। ये बोले कि निकेंद्र तुम वीडियो बना लो, पैसा लेकर के जा रहे हैं। जैसे मैं मोबाइल निकाले वीडियो बनाने के लिए वैसे वो लोग हमारे ऊपर असलहा तान दिए है। मैं अपना मोबाइल डाउन कर लिया है उन लोगों को देखते हुए और उसके बाद तुम हवा में फायर कर दिया है। नहीं, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। एक एक अपाची था वाइट कलर का और एक स्प्लेंडर था। 5 लोग थे। निकेंद्र विश्वकर्मा सर, जैसे हम अंदर बैठे थे अंदर एक अपाची पे तीन लोग बैठ के आए, रोड पे खड़ा किया, चोरखड़ी ढाले से आए लोग और एक स्प्लेंडर वाला आगे गाड़ी खड़ा किया उसके मात्र 10 कदम आगे है। और आए तो हम सोचे कि कोई काम होएगा, आ रहे हैं, तब तक अंदर आके जैसे गेट के अंदर एंट्री किया हाथ में असलहा लेके तुरंत हमको बोला उठोगे तो गोली चल जाएगी और जितना माल है दे दो। तो हमारे काउंटर पे 46,000 रुपये था, तुरंत वो खींचे और लेके निकल गए और हमने अपने दोस्त को बोला कि यार उसका वीडियो बना, तो हमारा चाबी भी मोटरसाइकिल निकाल के बाहर फेंक दिया और जब वो वीडियो बनाने लगा तब तक असलहा निकाल के फायर किया रोड पे और निकल गए लोग। चोरखरी चौराहे पे किश कुमार राय का जन सेवा केंद्र है, या 5:55 या 5 बजे की घटना है। चैन हम बोले चैन नहीं है, कल सुबह मिलेगा, उसके बाद बोले चांदी का अंगूठी दिखा दो, अंगूठी दिखा दिया। उसके बाद जन निकाल के बोला कि सब माल भरो, बोरा देखा। कितने का माल ले गए? माल 600 ग्राम सोना ले गया है और 8-10 किलो चांदी का। आप कौन है दुकान के मालिक? वहीं हाथरस के मोहल्ला रमनपुर नई बस्ती में एक पानी के गड्ढे में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और थाना हाथरस गेट पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। वहीं ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सरेनी थाना क्षेत्र के हाथनासा गांव निवासी भोलेनाथ के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चांदा गाँव के पास की बताई जा रही है। और हतनाशा का रहने वाला है, इसका चांदा टीकर के पास कहीं चांदा के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, बता रहे हैं सब लोग, बता रहे हैं कि ट्रक से हुआ है। तो वो यहाँ पे जब हमारे पास आया तो मृत अवस्था में आया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर बेखौफ चोरों ने बीती रात महाराजगंज में एक युवक के घर को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने चांदी पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं पीड़ित की एफआईआर पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घाटा है वह धनिया तो उन्हें सुबह में उठे तो हो सका तो उनका मालूम पड़ गया, भाग गए लेके बक्सा हुई हलुक हलुक। और सुबह उठे तो जंजीर बंद, इधर से लड़का देखें तो कहीं वहाँ पीछे केवाड़ा खुले हैं तो 6 बजे चारा दिएगा तो मालूम पड़ा कि हाँ
बदमाश आए हैं चोरी भाई द्याखा का तो पाछे सेंध खुली उसके बाद फिर द्याखा का बक्सा उक्सा सब ताला टूट पड़े लगभग चार बक्सा एक हुआ मिला या मोड़न के एक हुआ परगवा के बगिया में मिला एक फिर ढूंढे भी सर नंबर का फ़ोन किए तो कहीं बक्सा हेरो अपन कहाँ है। मेरे यहाँ कल रात में चोरी हो गई थी सर। कैसे कहाँ की घटना है कैसे क्या हुआ है? ये रात में हम दोनों भाई पास में लेटे थे और सब कोई दरवाजे पे था, घर पे कोई नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने रात में सो गए तो जब सुबह हुआ मैं हम लोगों ने देखा उसमें तो क्या कहते हैं दरवाज़ा पीछे खुले मिले तो बोला कि किसने दरवाज़ा खोल दिया। इसे तो देखे घर पे उसके बाद देखे तो बक्से उक्से गायब थे। उसके बाद फिर पीछे सेंध उन खुली थी। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया था सर। उसके बाद फिर 100 नंबर आई थी तो उससे बोले थे ऐसी ऐसी बात हुई तो उसने कहा देखिए आर बगल हो सकता है बक्से उक्से तो ले नहीं जाते चोर लोग, फिर सामान ही लेके गए होंगे। तो मैंने देखा उखा तो दूर दूर पर हमें बक्से मिले दो दो। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे घर पे आए। उसके बाद फिर बक्से में से तुम्हारी कुछ सामान मिली कि सारी गायब हो गई? सारी गायब हो गई, सिर्फ कपड़े मिले हैं वो भी जो मतलब ज़्यादा जो महंगे कपड़े थे वो कपड़े भी और लेकर चले गए, सामान सारी भी लेकर चले गए। जो कपड़े कीमती नहीं थे उनको यहाँ छोड़ दिए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा लगभग वही 1.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया, 15,000 रुपये नगद केस था उसमें बक्से में। और थाने होने में सूचना दिया? हाँ, एप्लीकेशन थाने में दी गई है, सुबह भी 100 नंबर भी आई थी। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर 7 मार्च को अंतिम चरण में जनपद चंदौली में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अपनी कमर कस चुका है। लगातार जिले में भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सीओ के नेतृत्व में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ जवानों के साथ आसपास संवेदनशील एरिया में भ्रमण किया गया है और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सीओ के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि निर्भीक होकर मतदान करें, किसी के बहकावे में ना आए और जिस भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए चंदौली में और जिसमें चकिया 383 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 7वें चरण में मतदान निर्धारित किए गए हैं। आज क्षेत्राधिकारी चकिया के साथ और थानाध्यक्ष चकिया के साथ एरिया डोमिनेशन मार्च किया जा रहा है और सीआरपीएफ की जो फोर्स हमें मिली है इसका उद्देश्य यही है कि सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें, किसी तरह के डर या किसी तरह की किसी के मन में कोई संशय ना हो, सभी लोग बाहर आएँ और बिना किसी भय बिना किसी डर के मतदान में अपना हिस्सा लें। और ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के मन में कोई समस्या हो तो तत्काल पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं। पुलिस और प्रशासन हमेशा उनकी सेवा में, उनके सहयोग में, उनके साथ हमेशा खड़ी है। वहीं मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में पलिया गांव में पति ने पत्नी को पारिवारिक विवाद के चलते कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। सोई के आई लिया कपड़ा कचारत रलिया आई ल दो तीन जापड़ मशीनिया पर मर ला भागल फरुआ उठा के काट दिल। अच्छा, जो मरी है वो यहाँ की लड़की है? हाँ, यहाँ का लड़की है। अच्छा अच्छा, तो उनके पति आए थे क्या यहाँ पे? आज वे आई लो देखो कचारत लिया कपड़ा अब वही जब मारे लगा ला भागल सड़किया पर आके गिर गए वही पर फरुआ उठा के। मतलब ये पहले से अपने मायके में रहती थी? हाँ, साल भर से ये कर धान दे रहा। और उनका जो पति है आज आया है? हाँ, सुबह में अब खिचड़िया के दिन में आई ला तो लड़किया लेके 3 साल कर ले चल गए खाली स्कूल हल्दरपुर थाना पर है ना। ये सुनील करत कर रहा है? सुनील के अब कुछ ना आने मजदूरी जो करे वाला की कर रहा है आई ना और की आवत हम आ देखन जब झगड़ा लोग लगना घर में करे जब भाग के आई है तब हम देखेंगे।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, कुछ दिनों में मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव भी करेंगे, जिसको लेकर लखनऊ के एक निजी संस्थान की तरफ से मेरा यूपी मेरा गौरव थीम पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 7 गाड़ियों को प्रदेश के अधिकांश जिलों में रवाना किया गया जो मतदाताओं को जागरूक करने के काम करने वाले हैं, जिसे हरी झंडी दिखाने का जिम्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को दी गई थी, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। जहां सभी राजनीतिक दल प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं टीओआई की तरफ से एक पहल रखी गई है। वो पहल ये है कि मतदाता जागरूकता अभियान, इसी मुद्दे पे खास बातचीत के लिए नवनीत सहगल सर हमारे साथ हैं। सर, इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है और कहां तक ये कारगर साबित होगा मतदाता जागरूकता अभियान? देखिए, हम सबको जो जितने अपने साथी हैं, साथी नागरिक हैं, सबको प्रेरित करना चाहिए कि आप घर से निकलिए, निकल के वोट करके आइए। ये आपका एक संवैधानिक दायित्व है, एक नागरिक के रूप में आपका सामाजिक दायित्व भी है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट का इस्तेमाल करें, जो भी आपके मन में है, जिस भी उम्मीदवार को आप देना चाहें दें, लेकिन आप इस्तेमाल करें, आप उस वोट का प्रयोग करें, निकलिए, वोट का प्रयोग करिए। और जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको चलाया है, इस अभियान को, कि आपको अपने शहर पे, अपने प्रदेश पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने शहर प्रदेश पे गर्व है तो निकलिए, वोट करिए। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है एक समाचार पत्र समूह द्वारा और ये रेडियो मिर्ची द्वारा, एक बहुत ही अच्छा एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो वोट का प्रतिशत है वो लखनऊ जैसे शहर में भी 60% से बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो लोगों को ये प्रेरित करना कि आपको अगर अपने प्रदेश पे गर्व है, आपको अपने प्रदेश की तरक्की पर गर्व है, तो आप जाइए, जाकर वोट करिए। वोट करना एक आपका संवैधानिक दायित्व है, आपको एक नागरिक की तरह से आपको एक दायित्व है आपके ऊपर। आप जाइए, अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप अपना उम्मीदवार उसको सेलेक्ट करिए और वोट करिए। वोट करना के लिए लोगों को जागरूक करना एक अच्छा प्रयास है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, अपना वोट का मताधिकार का उपयोग करें, उसी के क्रम में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा अभियान है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके कि ये इवेंट कहाँ तक कारगर साबित होगा? नहीं, अच्छा होगा, ये सब प्रचार में जाएगा, लोगों को प्रेरित करेगा कि भाई आप निकलिए, जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे साथ मौजूद थे नवनीत सहगल सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप वोट करिए और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाइए। कैमरामैन दीपक। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं एक मुहिम टीओआई और मिर्ची ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए यूपी और बिहार कंटेंट हेड आफताब आलम जी। आफताब जी, ये हमें बताएं कि आज कितनी गाड़ियां निकली और किस उद्देश्य से निकली हैं? देखिए, आज जो हमने यहां से गाड़ी जो फ्लैग ऑफ किया है, 7 कैंटर्स हैं जो कि यहां से निकली हैं, और लखनऊ से ये गाड़ियां हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पर हमारा मकसद है कि हम पहले लोगों को ये समझाएं कि हमें अपने प्रदेश पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो कैंपेन नेम है मेरा यूपी मेरा गौरव, इसको हमने आगे बढ़ाया है, और वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके नागरिकों को जागरूक करेगी, उनको उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड लाएगी, ताकि लोग वोट देने के लिए निकलें। और इसका मकसद बेसिकली मेरा यूपी मेरा गौरव का ये है कि पहले तो आप अपने प्रदेश पे गौरव महसूस करें। जब आप अपने प्रदेश पे गौरव महसूस करेंगे तो आप वोट देने के लिए निकलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपका अपना प्रदेश है। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, या घर पे आपको बहुत फ़ख्र होता है, तो आप हर छोटी चीज़ में अपनी हिस्सेदारी समझते हैं। उसी हिस्सेदारी को समझाने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है, मेरा यूपी मेरा गौरव, जिसमें लोग पहले तो यूपी की जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, जो भी खान पान है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई सड़कें हैं, जो भी चीज़ें हमें यहाँ, जो खुशहाली है, उसको हम महसूस करें। क्योंकि जब आप यूपी को अपना घर समझेंगे और पहले गौरव महसूस करेंगे, तो अपना दायित्व भी निभाने के लिए निकलेंगे। यही मकसद इस कैंपेन का है, ताकि लोग जाएं और वोट दें, क्योंकि वोट का प्रतिशत आज की डेट में बहुत कम है, और लखनऊ जैसे शहर में भी बहुत कम वोट की प्रतिशत होती है। जिस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब की बार 70 पार, तो हम तो चाहते हैं कि भाई 90 पार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और वोट के लिए निकलें, और एक सशक्त और मजबूत सरकार हमें मिले। साथ में हर नागरिक इस वोट को देकर अपने आप में फख्र महसूस करे कि उसने अपना दायित्व निभाया है, क्योंकि जब आप इस दायित्व से शुरुआत करेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इस कंट्री के लिए और इस सिटी के लिए, इस स्टेट के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि आप महसूस कर पाएंगे कि आपने
उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है और वोट सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप अगर नागरिक हैं तो नागरिक होने का कर्तव्य ये है कि आप वोट के लिए निकलें, तो इसी मकसद से हमने मेरा ये बताया। जो यहाँ से गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है, ये किन किन जिलों में जाएंगी और क्या वहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा मिर्ची की तरफ से? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गाड़ियाँ हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी, यूपी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जाएंगी और ये 8-10 दिनों का कार्यक्रम है, वो सभी जगह जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि कैंटर में हमारा ये लोगो लगा हुआ है, साथ में उसमें एक टीवी सेट भी लगा हुआ होगा जिसमें कि हम यूपी के बारे में उनको बताएंगे और गर्व महसूस कराएंगे। साथ में जो हमारे एंकर भी साथ में जा रहे हैं उसमें, और वो एंकर जाकर लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप यूपी पे किस बात पे गर्व करते हैं, साथ में उनको ये महसूस दिलाएंगे कि उनका कर्तव्य क्या है, वो वोट देने के लिए निकलें क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो एक अच्छी सरकार आप दे पाएंगे। तो एक इंटरेक्शन भी वहाँ पर होने वाला है, जो भी हॉटस्पॉट होगा जिस जिस शहर में वो जाएंगे उस शहर में वो हॉटस्पॉट पर जाकर लोगों से बात करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनके अंदर ये भावना डालेंगे कि वो वोट देने के लिए जाएं। यही मकसद हमारा है। वो सब जगह से घूमकर वापस ये कैंटर जो है वो लखनऊ में आएगी। तो मेरे साथ थे यूपी और बिहार के कंटेंट हेड आफ्ताब आलम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये गाड़ियाँ और ये जो मुहिम चलाई गई है ये ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए ही। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।